तो अभी तक हम चैट जीपीटी की हेल्प से बीएमआई कैलकुलेटर एक एप्लीकेशन हम टेस्ट कर चुके हैं, दूसरा सिंपल कैलकुलेटर यूज कर चुके हैं एचटीएमएल एंड जावास्क्रिप्ट के साथ में। अब हम एक ऐप ट्राई करते हैं पाइथन के साथ में, इन्हीं दोनों ऐप के ऊपर बात कर सकते हैं। बीएमआई कैलकुलेटर हमें चाहिए पाइथन के अंदर, पाइथन के अंदर इनपुट आउटपुट है, तो हम चेक कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के ऊपर भी चैट जीपीटी वर्क करता है कि नहीं, वो करता है तो कैसे करता है। क्रिएट एप्लीकेशन ऐप, क्रिएट एन ऐप फॉर BMI यूजिंग पाइथन। देखिए श्योर हेयर इज ए सिंपल एप्लीकेशन फॉर कैलकुलेटिंग BMI बॉडी मास इंडेक्स यूजिंग पाइथन। पाइथन का कोड यहां में दे रहा है, वेट आया अभी बोल रहा है इसको कैसे रन करना। टू रन दिस प्रोग्राम सिंपली सेव इट ए .py फाइल एंड रन इट फ्रॉम द कमांड लाइन और एन आईडी सच एज पाइचाम जुपिटर नोटबुक। तो हम जो कोड है इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं bmi डॉट .py, ये मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसको हम चूंकि VS कोड रन कर रहे हैं तो इसको रन कोड के थ्रू रन करा के चेक करते हैं। देखिए इसने लिखा है हमको एंटर योर वेट इन किलोग्राम, हम हमारा वेट एंटर करते हैं 68, हाइट है 1.76। तो BMI इंडेक्स में क्या निकाल के दिया हमने, ये यू आर नॉर्मल। तो पाइथन का कोड भी इसने हमें जनरेट करके दे दिया है। अब पाइथन के अंदर भी अगर हमारे पास में कोई बग हो, कुछ एरर्स आ रही हो तो कैसे चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ फ्लोट है, हमने इसको गलती से वन हो गया है। अब इसको हम रन कराने की कोशिश कर रहे हैं रन कोड, ये देखिए एरर आ गई है हमारे पास में, ट्रेस मोस्ट दिस एंड दिस। देखिए वेट इक्वल टू इस स्टेटमेंट में बहुत सारे एरर आ रही है, तो हम इसको बोलते हैं जस्ट चेक करते हैं हमारे पास में कोई नॉर्मल स्टेटमेंट है। वी आर गेटिंग एन इश्यू इन पाइथन स्टेटमेंट तो इसने हमें बोला है द इश्यू इन दिस लाइन ऑफ कोड इज दैट फ्लोट वन इज नॉट ए वैलिड फंक्शन पाइथन, द करेक्ट फंक्शन टू कन्वर्ट ए स्ट्रिंग टू ए फ्लोट इन पाइथन इज फ्लोट, सो द करेक्ट स्टेटमेंट ये होना चाहिए। उसने बोल दिया कि जो मैंने कोड लिखा था वो ही बिल्कुल सही है, इसको सही कराया और एक काम हो गया। तो इस तरीके से पाइथन ऐप भी जनरेट हो गई। अब एक और एप्लीकेशन हम जनरेट करके इसके अंदर चेक करते हैं, जो सिंपल कैलकुलेटर था उसके लिए भी कोड जनरेट करते हैं। राइट है सिंपल कैलकुलेटर ऐप फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूजिंग पाइथन, पाइथन को यूज करके और हम एक नॉर्मल कैलकुलेटर ऐप बना रहे हैं जिसके अंदर केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। सिंपल कैलकुलेटर है, फंक्शन टू परफॉर्म एडिशन डेफिनेशन। टू यूज दिस कैलकुलेटर ऐप सिंपली सेव इट ए .py फाइल एंड रन इट फ्रॉम कमांड लाइन, आपको .py फाइल के अंदर इसको यूज करना है। कंप्लीट पढ़ लेते हैं,
कमांड लाइन और एन आईडी सच एज पाइचाम और जुपिटर नोटबुक व्हेन प्रॉम्प्टेड एंटर द फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एंड द ऑपरेटर यू विश टू यूज प्लस और माइनस द प्रोग्राम विल कैलकुलेट द रिजल्ट एंड इट ऑन द कंसोल। अब इसके अंदर हम दूसरी फाइल क्रिएट कर लेते हैं कैलकुलेटर डॉट पी वाई। ये आ गया, हम इसको रन कराते हैं रन कोड। अब हमसे मांग रहा है एंटर फर्स्ट नंबर दैट इज 24, एंटर सेकंड नंबर दैट इज 45, चूज एन ऑपरेटर प्लस और माइनस। मान लीजिए हमने तो मल्टीप्लाइड कर दिया है तो उसने बोला इनवैलिड कैरेक्टर इनवैलिड ऑपरेटर सिलेक्टेड, बता दिया इसने कि ऑपरेटर गलत चूज कर लिया आपने। वापस रन करा देते हैं वन टू थ्री फोर और प्लस का यूज करा हमने तो फोटो से ने हमको आंसर में दे दिया। तो इस तरह से पाइथन का भी कोड हमने रन करा करके चेक कर लिया।